स्टोरी हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो मैं कुछ अनबॉक्स करना भूल गया था, मेरा कुछ सामान रह गया था। मेरे को समझ में आ रहा काफी बड़ा पार्सल बना दिया। ये ट्रैकिंग के लिए मैंने मंगाई थी। रात की 11 बज रहे हैं और आज मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं करा। आज मैं किसी काम से बाहर था तो इसी वजह से व्लॉग कर नहीं पाया। जहाँ था वहाँ पे व्लॉगिंग कर नहीं सकता था, कुछ काम था ज़रूरी, तो इसी वजह से आज व्लॉग करा नहीं। मैं आउट ऑफ स्टेट था आज किसी काम से, तो वहाँ पे वापस आते हुए हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। और मतलब बहुत सही जगह पर हुई थी, जहाँ पर हुई थी वहाँ पे मतलब साथ में ही जो पंचर लगाते हैं उनकी शॉप थी और साथ में पुलिस स्टेशन भी था, क्योंकि काफ़ी सुनसान जगह पे हमारी गाड़ी पंचर हुई थी। कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं, पंचर वाले भैया को हमने फ़ोन करा, वो आए और उन्होंने पंचर लगा दिया, तो सब चीज़ बढ़िया हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। वैसे मैंने बताया था कि मैंने डी के तलून से कुछ ऑर्डर करा था, क्योंकि मेरे को राइड पर जाना है तो उसके लिए चाहिए मेरे को कुछ सामान। तो फिर हमारा डी के तलून का पार्सल आज आ गया था, बट मैं घर पर नहीं था तो मम्मी और उन्होंने पार्सल ले लिया था। ये हमारा पार्सल आया। अब इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा, काफ़ी बड़ा पार्सल बना दिया। इतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, बट शायद जो मैंने चीज़ मंगाई है एक वो बड़ी है, तो शायद उसकी वजह से ये थोड़ा बड़ा पार्सल बना है। बट इसको हम अनबॉक्स करेंगे कल सुबह बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है इसमें। दो ही चीज़ है तो वो कल सुबह पता लगेगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, तो अब कल सुबह मिलते हैं हम लोग। The next morning. Hey guys, welcome back to another vlog. So guys, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और फाइनली मेरी सुबह हो चुकी है आज। तो सीन ऐसा है कि कल डी के तलून का पार्सल आ गया था, बट कल मैं बाहर था तो अनबॉक्स कर नहीं पाया था, रात को ही आया था। तो फिर मैंने रात को बोला था कि हम सुबह इसको अनबॉक्स करेंगे। तो ये देख लो हमारा ये पार्सल है, इसको भी हम अनबॉक्स करने वाले हैं। ये देख लो डी के तलून से ही आया हुआ है पार्सल, ठीक है। तो दिल थाम के बैठी है दोस्तों। ये हमारी पहली, ये ट्रैकिंग के लिए मैंने मंगाई थी। ओके, ये नहीं पता था मेरे को, इधर से नहीं निकलेगी। तो ये मंगाई थी मैंने अपना ट्रैकिंग के लिए, इजी पड़ेगी। वहाँ से मैंने सोचा कि स्टिक मैं नहीं लूँगा, तो हाँ ये लेनी है हमने। और ये लोग हो गई यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। तो एक ये स्टिक हो गई और दूसरी चीज़ है हमारे शूज़ ट्रैकिंग के। तो सिर्फ यही दो चीज़ें हैं तो ये मंगाए थे यार मैंने ट्रैकिंग के, वाटर प्रूफ शूज मंगाए। क्योंकि जब मैंने कश्मीर राइड करी थी ना तो मेरे शूज सॉक्स सब गीले हो गए थे। अब मेरे पास वाटर प्रूफ शूज थे तो, बट वो राइडिंग के थे। और जब मैं कश्मीर राइड कर रहा था ना तो पहलगाम में हम लोगों ने कैंपिंग करने का सोचा था, तो जब कैंपिंग कर रहे थे वहां पे बर्फ थी हमारी नीज तक, और जो राइडिंग शूज थे वो बहुत ज्यादा स्लिपरी थे। तो मेरे को वहां पे ये समझ आया कि यार ये शूज मतलब मैं नहीं चल सकता इन शूज़ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब डी कैथलून से शूज़ ऑर्डर करते हैं, वाटर प्रूफ भी और जो हम हाइकिंग कर सकें जिन शूज़ से। तो फिर स्पेशली मैंने ये शूज़ ऑर्डर करे जो कि मुझे पड़े अराउंड 3000 के। तो हाँ ये वाटर प्रूफ शूज़ है, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मेरे को कश्मीर राइड के बाद अकल आई थी कि मेरे को शूज़ थोड़े अच्छे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाँ ये हमारे शूज़ हैं और साथ में ये हमारा हाइकिंग पोल। तो हाँ ये दो चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी, बट अभी मेरे को एक बैग लेना है, तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा अपने लिए एक बैग लेने। उससे पहले थोड़ा सा काम है, मैं वो कर निपटाऊंगा, देन फिर उसके बाद अपना बैग लेने जाऊंगा। तो गाइस शूज़ का साइज़ तो बिल्कुल ओके परफेक्ट है, हाइकिंग के लिए बढ़िया है। अब पानी डाल के देख लेते हैं, वाटर प्रूफ चेक करते हैं इसका कितना है। हाँ देखो जी ये साफ है, तो ये हाँ मतलब हमारे लिए बेस्ट है, शूज़ सही है, वाटर प्रूफ है, कोई मतलब नहीं पानी से, सब सेट है। हाँ बढ़िया, ओके ओके, रिपोर्ट है गाइस शूज़ के हमारे। सो गाइस फाइनली मैंने अपने सारे काम निपटा लिए और अभी मैं जा रहा हूँ अपना बैग लेने के लिए। पहले जाऊँगा खुशहाल के पास, उसको पिक करूँगा, देन फिर डिसाइड करेंगे हम बाइक पे जाने वाले हैं या एक्टिवा पे जाने वाले हैं। मार्केट जाना है क्योंकि बैग लेने के लिए, तो एक बार चलते हैं खुशहाल के घर और फिर देखते हैं बाइक पर जाएंगे या फिर एक्टिवा पे। तू कौन सी तैयारी में आ गया? पड़ेगा मेरे को बैग ही दे दे, मैं तो बैग ही लेने आया हूँ। इतना छोटा बैग चाहिए? अच्छा नहीं, ज़्यादा छोटा। सो गाइस मैंने कहा था ना हम लोग एक्टिवा पे जाएंगे, हम लोग एक्टिवा पे ही जा रहे हैं। सो गाइस बैग तो हमारा फाइनल हो गया, ये वाला। मैं एक ब्लू भी था बट खुशहाल ने कहा कि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने उसकी मान ली। ब्लैक मना करवा,
तूने कहा था ब्लैक अच्छा लग रहा था, तो मैंने हाँ बोला था। मैं मैंने वही बात बोली है, तो मैंने तेरी बात सुन के ओके सर। अभी हम देख रहे हैं आप अपनी रेन जैकेट, तो वो देखते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पे छः बज चुकी है और फाइनली मैं घर वापस आ चुका हूँ अपना सामान लेके, जिस जिस सामान की मुझे नीड थी। ये हमारा ट्रैकिंग के लिए बैग हो गया, जो कि जब मैं ट्रैक करूँगा तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग होना चाहिए, क्योंकि सारा सामान लेके तो मैं ऊपर चढ़ने वाला हूँ नहीं, तो इसी वजह से मैंने एक अपना एक्स्ट्रा बैग ले लिया, जिसमें हमें साथ में मिल गया है रेन कवर, तो ये प्रोटेक्ट करेगा। एक ये रीज़न था बैग लेने का, तो ठीक है एक ये बैग हो गया हमारा। देन फिर उसके बाद मैंने लिया था रेन सूट, अपर लोअर इसमें दोनों है, ट्रैक करते हुए बारिश आ जाए तो बैग तो सेफ रहेगा। मैं अभी भीगना नहीं चाहता तो इस वजह से ये रेन सूट ले लिया। ये है एमरजेंसी के लिए, सिर्फ इस वजह से कि अगर मैं ट्रैक करते हुए लेट हो गया तो पहाड़ है ना, तो फिर मैंने सोचा कि एक टॉर्च होनी चाहिए। वैसे मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं कि मैं लेट हो जाऊँ, मैं सब कुछ अपना जल्दी जल्दी मतलब तरीके से करूँगा हर चीज़ को, क्योंकि अकेला हूँ ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा मेरे को देखना पड़ेगा। बट तो फिर भी मैंने सोचा कि कभी कभार कुछ ऐसा सरकमस्टांस हो जाते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये टॉर्च अपने साथ एक रख लेते हैं, तो ये टॉर्च सिर्फ इसी वजह से लिया। अब रही बात आगे की, मेरे को अभी मेडिकल कराने, वो मैं कल कराने जाऊंगा, कल पापा के साथ जाऊंगा अपना मेडिकल कराऊंगा, देन फिर उसके बाद मैं अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा जहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ का, ठीक है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जा नहीं सकते। फिलहाल का सीन ऐसा है, अभी मैंने दोपहर को कुछ खाया नहीं था क्योंकि अराउंड मैं 3 या 4 घंटे से बाहर ही हूँ, तो फिर अब अपन कुछ खा लेते हैं बढ़िया, खा पी के फिर उसके बाद थोड़ी देर में जिम भी जाना है। सो गाइस 8 बज चुकी है और फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी जिम में, अकेला ही आया हूँ, कोई भी साथ नहीं आ रहा, ना मोहित ना खुशहाल। मोहित का वैसे फोन आया था, वो कह रहा है कि शायद वो आ जाए, तो अगर आ जाएगा तो व्लॉग में दिख जाएगा, नहीं आएगा तो मैं अकेला ही हूँ। जिम बंद हो चुकी है, तो भैया अभी बज रहे हैं 10:15 रात के और मैं अभी जिम से जस्ट आया हूँ। अभी आपको एक चीज दिखानी है, वो देखो पहले। सुबह इसमें मेरा पार्सल आया था डीकैथलॉन में और मैं कुछ अनबॉक्स करना भूल गया था, मेरा कुछ सामान रह गया था, वो ये देखो, ये हमारा डुगू बेचारी यही सो रही है इसके अंदर। गुड्डू गहरी नींद में सो रही है। तो मतलब ऐसा है, घर में कोई भी बॉक्स आता है ना, या मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ आता है, पॉलीथीन भी हो गया, ये उसके अंदर भी सो जाती है। ये इसका मतलब ऐसे मान लेते कि हाँ ये तो मेरा ही है, यहाँ पे मैं सोऊंगी। और जैसे आज एक डीकैथलॉन का बॉक्स आया, इसको दिखा कि हाँ इसमें इसके लिए अच्छा खासा स्पेस है, तो ये यहाँ पे सो जाएगी, और ये यहाँ पे सोई हुई है। कब की सो रही है पापा ये? भैया 1 घंटे से सो रही है, और यहाँ पे अभी चल रहा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच, आप लोग भी देख लो, मैं भी अब मैच देख रहा हूँ। सो गाइस फाइनली इंडिया मैच जीत चुकी है श्रीलंका से, और अभी का सीन ऐसा है, मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बट तुम्हें कुछ बता देता हूँ कि कल का सीन ऐसा होने वाला है, कल मेरे को कराना है एक तो मेडिकल, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होने वाला है, क्योंकि वो राइड बिना मेडिकल के हो नहीं पाएगी। मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए मेरे को अपना मेडिकल सबमिट करना पड़ेगा, तभी मेरा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा जहाँ पे मेरे को ट्रैक करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, बाइक की जो लेमिनेशन है वो फट रही है, वो भी मेरे को चेंज करानी है, तो फिर उसके लिए मैंने PPF वाले भैया ढूंढ लिया, तो कल मैं PPF के लिए अपनी बाइक भी दे दूंगा। ये मतलब कल का मेरा जो मेन काम है वो यही है। तो हाँ अभी इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।